आज हम लोग करने वाले हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। ओके, तो ये क्या होता है रेसिप्रोकल, कि मतलब कि कोई भी आपको एक फ्रैक्शन दे दिया है, ठीक है, तो उसको अपोजिट उसका उल्टा लिखना है, मतलब उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, कि अभी हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किए थे, आज हम लोग करेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। ओके, नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 13। तो प्रैक्टिस सेट 13 में देखिए, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर्स दे रखे हैं आपको उनके अब मतलब रेसिप्रोकल लिखने हैं आपको। ओके, फर्स्ट वी डू, पहले हम लोग फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट इज 7। ठीक है, तो 7 को अब हम लोग कैसे इसका अपोजिट लिखेंगे, मतलब ठीक है इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/1 ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम उसको 1 उसका डिनोमिनेटर दे सकते हैं उसको। ठीक है, देन इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। ओके, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ओके, नाउ सेकेंड वन इज 11/3, तो ईजी है, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे 3/11। ठीक है, इसमें सिंपली होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज 5/13 है, 13/5। ओके, नाउ फोर्थ वन इज 2, देखिए यहाँ पे 7 के जैसा आ गया है, फर्स्ट वी राइट 2/1। ओके, नाउ इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। नाउ 6/7, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/6। ओके, ये इसका ये हो गया है। नाउ सेकंड वन इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीज़न, अब हमें ये डिवीज़न करने हैं, तो फर्स्ट वी 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम करेंगे कि जो पीछे वाला है जो ठीक है जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे 2/3, अब इसका पहले हम इसका साइन चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 4/1। ओके, नाउ इज इक्वल टू 2/4/3/1, 2 4 8/3। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड वन 5/9 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसकी क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3। ओके, देन 5/9/3 इक्वल टू कितना जाएगा, 5 2 10/9 3 27। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज 3/7 डिवाइडेड बाय 5/11। ओके, तो इसे 3/7 मल्टीप्लाई 11/5, ओके इज इक्वल टू 3/11, 7/5 इक्वल टू ठीक है 11 3 जा 33, 7/5 जा 35। ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज 11/12 × 7/4, ओके इक्वल टू 11/7/12 × 4 इज इक्वल टू 11 7 जा 77/12 4 जा 48। ठीक है, इसका आंसर निकला है। तो डिवीज़न में क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन साइन करके इसका जो पीछे वाला नंबर जिससे डिवाइड करना है उससे क्या है रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास, देयर वर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन, दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ द टाउन सेवाग्राम, व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन इफ द वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल। तो इसमें दिया गया है कि इसके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 420 है जिन्होंने कि पार्टिसिपेट किया है स्वच्छ भारत कैंपेन में,
ठीक है। और उन्होंने ये सेवाग्राम टाउन का नाम है उसका 42/70 पार्ट को क्या किया है, क्लीन किया हुआ, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट ने कितने पार्ट को उसने क्या किया, क्लीन किया, अलग अलग स्टूडेंट का निकाला, मतलब ईच स्टूडेंट का निकाला। ओके, फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वी राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 420, ठीक है। टोटल पार्ट ऑफ सेवाग्राम क्लीन बाय स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, टोटल पार्ट ऑफ सेवाग्राम क्लीन बाय स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ने कितना पार्ट किया था उसका क्लीन, सेवाग्राम का 42/75 इतना पार्ट उन्होंने इसका क्लीन किया था, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन, हर एक स्टूडेंट ने कितना पार्ट उन्होंने क्लीन किया होगा, ठीक है। तो आंसर के लिए हम लिखेंगे ईच स्टूडेंट क्लीन, ठीक है। कितना कैसे निकालेंगे हम इसको, ये हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा ना कि ये निकालना है ना हमें, तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे टोटल पार्ट ऑफ, टोटल पार्ट ऑफ सेवा ग्राम क्लीन, ओके, कितना पार्ट उन्होंने सेवा ग्राम का क्लीन किया है, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हमें नंबर इनका पता है हमें, कितना है टोटल पार्ट ऑफ सेवाग्राम, कितना क्लीन किया है, 42/75, ठीक है। अब ये क्या है, डिवाइडेड का साइन है ना ये वाला, तो हम यहाँ पे सीधा सिंपली ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 420, ओके। ये हो गया, अब हमें इसे क्या करना है, 42/75 डिवाइडेड बाय 420। अभी आपको बताया था कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, ये क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम फ्रैक्शन लाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब डिवाइड को कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 42/75 मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा, 1/420, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 42/1/75/420, ओके। ये हो गया, अब 42, ये यहाँ पे देखो 42 है या 420 है, तो 42 वन जा और ये ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो का क्या करेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे, तो दैट मीन्स 42 10 जा ये 420, ठीक है। अब हमारे पास कितना बच गया, 1/1/75/10, ओके, 1/75/10 करेंगे तो कितना आएगा, 750, ओके, ठीक है। देखो जब भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो उसका ज़ीरो दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा, 100 से करेंगे तो 20 लगा लेंगे सिंपली, ओके। ये हमारा आ गया, तो 1/750 पार्ट क्यों क्या क्या, ईच स्टूडेंट जो हमने पूछा था ना यहाँ पे, ईच स्टूडेंट क्लीन जो निकालना था वो हमारा निकल गया है, ठीक है ना। वी राइट द आंसर, अभी आंसर लिखेंगे, क्या पूछा, व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन, ठीक है। तो वी राइट हियर, ईच स्टूडेंट क्लीन, ओके, कितना पार्ट, 1/750 पार्ट ऑफ सेवाग्राम,
सेवाग्राम। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 13 और जो ये चैप्टर है, ये वाला चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। ठीक है ना, बाय।